Drop it. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डेवलपर। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम रिकॉर्ड को सर्च कैसे करेंगे डेटाबेस से। तो आज हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें अगर यूज़र ने तो ये सब हमारे पास एंट्रीज है, फीस की डिटेल्स है जो एडमिन ने ऐड करी हुई है डेटाबेस में। तो अगर मुझे कुछ सर्च करना है, सपोज़ मैं अपना नाम सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते मेरे नाम से जो जो है वो सब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आप कोई भी कॉलम नाम से सर्च कर, सपोज़ मुझे चाहिए कि जिसका जिसका पेमेंट मोड DD है, तो मैं यहाँ पर अगर DD एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं पेमेंट मोड DD वाले सभी आ गए यहाँ पर। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम इसे कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हमें इसे हमारा जो होम पेज है, हमें आपको रन करते हूँ home.java जो हमने क्रिएट किया था। अगर मैं इसे एक बार रन करूँ तो हमें इसे सर्च रिकॉर्ड पेज बटन के पीछे ऐड करना है। ओके, तो जब यूज़र सर्च रिकॉर्ड पे क्लिक करेगा तब उसे वो पेज ओपन होना चाहिए। तो मैं वहाँ पर ही हमारा होम पेज खोल लेता हूँ। सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं न्यू JFrame एंड मैं इसका नाम देता हूँ सर्च रिकॉर्ड। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पर एंड इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। लेंथ यहाँ पर भी एंड इसका मैं यहाँ पर जाता हूँ, कोड में जाकर साइज दे देता हूँ इसे 1500। ओके, यहाँ पर कर दीजिए जनरेट रिसाइज कोड एंड जनरेट सेंटर यहाँ पर है। ओके, अब मैं अगर इसे एक बार रन करूँ तो ये थोड़ा मुझे और बड़ा चाहिए, पूरा हमारा डिस्प्ले कवर होना चाहिए। मैं इसे यहाँ से और बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा नीचे से भी बड़ा किया मैंने। अगर अब मैं रन करूँ तो ये आई थिंक ये प्रॉपर है। थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं राइट साइड से, यहाँ से ठीक है बस। तो अब इसको कलर दे देते हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो हमारा हमने अपडेट फीस डिटेल्स पे ये सब जो अपडेट फीस डिटेल हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था, तो उस पर जो सारे बटन हैं हमें ये बटन्स वहाँ पर भी चाहिए। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप करिए कॉपी एंड यहाँ पर आइए एंड यहाँ पर कर दीजिए सीधा पेस्ट। तो आप देख सकते मुझे यहाँ पर मिल गया, बट इसका लेआउट मैंने सेट नहीं किया। इसका लेआउट पहले सेट कर देते। अब JFrame पे क्लिक करिए यहाँ पर एंड सेट लेआउट एंड एब्सोल्यूट कर दीजिए। तो ये मुझे एकदम राइट में कोने में मिल गया। मैं इसको थोड़ा और नीचे ले लूँ। अब मैं एक बार रन करूँ। ओके, यहाँ पर मुझे एक एरर्स आ रहे हैं। वाई? बिकॉज मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया ना। यहाँ पर आप देख सकते कलर इंपोर्ट नहीं है, जो कलर क्लास है हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करिए, अब यहाँ पर आ जाएगा हमें java.awt पैकेज, इसमें कलर क्लास है तो हमें उसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप java.awt इंपोर्ट हो गया। अगर मैं कंट्रोल एस करूँ तो मेरा एक्सेप्शन भी चला गया। ओके, तो एरर बेसिकली एरर और एक्सेप्शन में बहुत फ़र्क होता है। मैं भी एरर बोलता हूँ बार बार, बट वो एक्सेप्शंस होते हैं। एरर जो होते हैं वो नॉन रिकवरेबल होते हैं, जैसे हम उनसे रिकवर नहीं कर पाते। और एक्सेप्शन जो होते हैं वो हमारी मिस्टेक की वजह से होते हैं, जो हम उसे ठीक कर सकते हैं उनको। सपोज़ एरर में क्या आ गया आपका, आपके सपोज़ आपके सिस्टम में जो हमारा JVM में उसका मेमोरी, जिसको जितनी उसको मेमोरी अलोकेट है उससे ज़्यादा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए और मेमोरी आउट ऑफ बाउंड हो गई। सपोज़ आउट ऑफ बाउंड नहीं, आप बोल सकते हीप मेमोरी जो होती है हमारे, वो अगर हमने एक्सीड कर डाली पूरी तो हमें एक्सेप्शन आ सकता है स्टैक ओवरफ्लो का। स्टैक मेमोरी अगर ओवरफ्लो हो गई तो स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आएगा, तो हम उसे हमारी तब हम उसे रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमें थोड़ी मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एरर्स होते हैं, वो हम प्रोग्रामर की मिस्टेक नहीं होती। बेसिकली जो हम जिस पर हम सिस्टम जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं ना हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, अगर उसके कुछ रिसोर्सेस कम हो गए, हमें रिसोर्स कम पड़ गए, तो उस वजह से भी जनरेट होते एरर्स। और एक्सेप्शन जो है वो हमारी मिस्टेक की वजह से होते हैं, प्रोग्रामर मिस्टेक होते हैं वो सब एक्सेप्शंस। एरर जो होते हैं वो सिस्टम रिसोर्स की वजह से जनरेट होते हैं। एंड जो नेक्स्ट है इसके बाद हमें, ठीक है ये हमारा, अब हमें इसे टेबल, इस पर मैं एक टेबल रख दूँ। तो मैं इसको बैकग्राउंड इस यहाँ पर भी एक पैनल ले लेता हूँ। तो मैं पैनल पे गया
यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल है मेरे पास, एक पैनल लिया मैंने एंड इसका भी लेआउट मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। एंड इसका जो यहाँ से पूरा पहले इसे सेट कर दूँ, बाद में इसका हम कलर चेंज कर देंगे यहाँ से एंड तक। ठीक है, ये हो गया। एंड इसका मैं कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पर, एंड यहाँ से डायरेक्ट मैं इसे करता हूँ 0,153,153। तो ये इसका कलर चेंज हो गया। एंड अब हमें यहाँ पर टेबल को प्लेस करना है, तो आप पैलेट में जाइए, यहाँ पर हमारे पास है टेबल, से उठाकर यहाँ पे रख दीजिए एंड मैं पूरा एरिया कवर कर लेता हूँ यहाँ से एंड यहाँ तक। ओके, अगर मैं इसे रन करूँ एक बार, अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नीचे से भी पूरा स्पेस लेगा। एंड इसके जो फॉन्ट है वो चेंज करता हूँ, टेबल पे क्लिक करें यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका मैं फॉन्ट साइज इनक्रीज कर देता हूँ, कर देता हूँ मैं इसे 17 प्लेन। एंड जो हमें इसका जो टेबल कंटेंट, अब टेबल कंटेंट में जाइए, अब राइट क्लिक करिए, टेबल पे क्लिक करिए, राइट क्लिक, टेबल कंटेंट, एंड यहाँ पे आपको रोज़ दिख रहे हैं, हमें कुछ एक भी रोज़ नहीं चाहिए फ़िलहाल, इनिशियली ये एम्प्टी होना चाहिए बिकॉज हम इसमें डेटाबेस से वैल्यू को फिल करने वाले हैं। एंड हमें आपको जितने यहाँ पर कॉलम चाहिए ना आप उतने रख सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने सर्विसेज में जाऊँ, डेटाबेस ऑन करूँ, फीस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर टेबल्स के अंदर मेरे पास है फीस डिटेल्स। आप चाहे तो ये पूरे कॉलम यहाँ पर दिखा सकते हो, बट मैं अभी पूरे डिटेल्स नहीं दिखाने वाला, जैसे ईयर्स हो गए, ईयर वन ईयर टू, ये सब मुझे नहीं दिखाना, मुझे जो नेसेसरी डिटेल्स है सिर्फ वो दिखाना है यहाँ पर, जैसे रिसिप्ट नंबर, स्टूडेंट नाम, रोल नंबर, पेमेंट मोड, चेक नंबर, पेमेंट मोड भी दिखा देंगे हम एंड अमाउंट एंड कोर्स, तो इतना भी काफ़ी होगा। तो मैं इसे टेबल कंटेंट में जाता हूँ यहाँ पर कॉलम्स, एंड मैं फर्स्ट कॉलम को नाम देता हूँ रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, एंड जो हमारा सेकेंड कॉलम होगा वो होगा रोल, सॉरी रोल नंबर, एंड थर्ड कॉलम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, फोर्थ कॉलम कोर्स, एंड जो नेक्स्ट होगा उसको हम नाम देंगे कोर्स के बाद अमाउंट, अमाउंट देन उसके बाद रीमार्क, एंड ये रीमार्क। ठीक है, आई थिंक बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टीडी नंबर, चेक नंबर, पेमेंट मोड अगर आप चाहे तो दिखा सकते हैं एक बार, मैं यहाँ पर एक और इंसर्ट कर देता हूँ पेमेंट मोड, पेमेंट मोड से मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो मैं मूव अप अमाउंट के पहले डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, एंड क्लोज। तो यहाँ पर आ गए सारे कॉलम्स। अब यहाँ पर एक कॉलम का नाम नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक करूँ यहाँ पर टेबल कंटेंट कॉलम, यहाँ पर कोर्स के बाद यहाँ पर हमें रखना है पेमेंट मोड, पेमेंट मोड, ठीक है, एंड ओके। तब हमें इसमें डेटा को डिस्प्ले करना है, तो आप दो तरीके से डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप यहाँ से यहाँ पर डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं, इसे एलिमेंट्स में जाइए, यहाँ पर डेटा बेस सेलेक्ट करिए, आपको कौन से डेटा बेस से चाहिए, फीस मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे मुझे कॉलम नेम पूछेगा फीस डिटेल, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करके ओके करता हूँ अगर, तो अब ये मुझे तो इंपोर्ट हो रहा है डेटा। तो मैं पूछेगा कौन कौन सा आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैंने रिसिप्ट नंबर मुझे डिस्प्ले करना, आपको जो जो डिस्प्ले करना है वो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा पूरा। बट मैं कोड के जरिए करना प्रेफर करता हूँ, तो मैं आपको कोड के जरिए कैसे करते वो भी बता देता हूँ, आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो, मैं आपको कोड के ज़रिए बताता हूँ। तो आप यहाँ पर जाइए, सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, सबसे पहले मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ जिससे हम डेटा को सेट करेंगे टेबल पे। तो मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड सेट रिकॉर्ड्स टू टेबल, मीनिंगफुल नाम देते हैं मेथड को,
ताकि इन फ्यूचर आप कभी अपने सपोज 6 महीने बाद ये प्रोजेक्ट खोल के देखा, आपको ये मेथड का नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस मेथड की फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी कि ये मेथड इसका यूज़ क्या है। जैसे आप देख सकते सेट रिकॉर्ड्स टू टेबल, तो हमें रिकॉर्ड पे टेबल सेट कर टेबल पे रिकॉर्ड सेट करना है, तो आपको इसलिए मीनिंगफुल नाम देते हैं मेथड्स को। तो यहाँ पर अब मैं ट्राई कैच के अंदर कोडिंग करता हूँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, आप कनेक्शन कनेक्शन यहाँ पर है जावा डॉट एस क्यू एल कनेक्शन, कॉन इज इक्वल टू डी बी कनेक्शन। अब डी बी कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, आप आई होप आपको आइडिया होगा अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। तो डी बी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, आप सिंपली यहाँ पर कनेक्शन का भी ये कनेक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप ये भी लिख सकते हैं कनेक्शन कौन, ये नहीं, ये तो मैंने यहाँ पर भी डायरेक्ट किया, ये वाला, ये दो लाइन भी लिख सकते हैं जो आप जो यूज़ कर रहे होंगे ड्राइवर उसके उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर मैं डर्बी यूज़ कर रहा हूँ इसलिए एम्बेडेड ड्राइवर क्लास का नाम है, एंड पासवर्ड यूज़र नेम, ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड मेरे डेटाबेस का नाम है। तो अब यहाँ पर भी लिख कर ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। आपको ये दो स्टेप परफॉर्म करने होंगे एंड आपके पास उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्ट गेट कर लिया यहाँ पर मेथड बना के, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी एक मेथड बनाया हुआ डी बी कनेक्शन, क्लास है डी बी कनेक्शन, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन, आपको दिखा देता हूँ एक बार। देख सकते हैं आप यहाँ पर डी बी कनेक्शन क्लास है, उसके अंदर मेथड है गेट कनेक्शन, जो जिसमें मैंने वही दो लाइंस लिखी हुई है ताकि मुझे बार बार वो लिखना ना पड़े। एंड मैंने ये मेथड, ये क्लास जो इसी में बनाया, देख सकते हैं आप यहाँ पर डी बी कनेक्शन डॉट जावा नाम से, एंड ये मेथड को मैंने स्टैटिक रखा ताकि डायरेक्ट कॉल कर सकूँ। तो मैंने गेट कनेक्शन एंड इसके बाद मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट पी एस टी इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। हमारे पास तीन तरह के स्टेटमेंट थे जावा में, एक सिंपल सिर्फ स्टेटमेंट है, देन प्रिपेयर स्टेटमेंट, देन कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें डेटाबेस से फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल करना होता तब हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस कॉलम का, टेबल का नाम हमारे फीस डिटेल्स, ठीक है। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, पी एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड है यहाँ पर, एंड इसका जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो में से मैं रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट पे स्टोर कर लेता हूँ। रिजल्ट सेट एस क्यू एल पैकेज में है, एंड यहाँ पर वाइल लूप चला लेता हूँ मैं, मीन्स जब तक रिजल्ट सेट में डेटा है तब तक ये लूप चलेगा। हम उन सारे रिकॉर्ड को वन बाय वन गेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, उन सारे रिकॉर्ड को गेट करना है, इन टेबल पे सेट करना है, इस टेबल पे सेट करना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने ये सब नाम लिखे ना, ये मेरे डेटाबेस के हैं। तो हमें ये डेटाबेस से वैल्यूज़ को गेट करना है। तो आर एस, ये मेरे फीस टेबल, फीस डिटेल्स मेरे टेबल का नाम है, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ। अब सबसे पहले मैं, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखानी वो चेक कर लेता हूँ मैं। वन रिसिप्ट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग रिसिप्ट नंबर इज इक्वल टू टी एक्स टी नहीं करना है हमें, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर हमें पास करना है रिसिप्ट, हमारे कॉलम का नाम, आप देख सकते हैं ये जो मेरा कॉलम है रिसिप्ट नंबर, उसका नाम मुझे यहाँ पर पास करना है, आर ई सी आई ई पी टी है, ई पी टी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर इज इक्वल टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, हम इसे स्ट्रिंग में भी गेट कर सकते हैं। आपने रोल नंबर, हमने डेटाबेस में इंटीजर टाइप रखा है, बट हम इसे गेट करते टाइम स्ट्रिंग में भी गेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें इस पर कुछ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है, हम इसे एज ए स्ट्रिंग भी दिखा सकते हैं, हमें इसे प्लस माइनस नहीं करना है यहाँ पर, इसलिए हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं स्ट्रिंग में भी। तो रोल नंबर के बाद स्टूडेंट का नाम, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग पेमेंट, सॉरी कैमल केस नोटेशन, हम वेरिएबल्स को ऐसे डिफाइन करते जाओ मैं, कैमल केस नोटेशन, फर्स्ट लेटर स्मॉल, फर्स्ट वर्ड का, अगर दो वर्ड्स है तो फर्स्ट वर्ड का
फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा एंड सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। RS डॉट गेट स्ट्रिंग पेमेंट मोड एंड देन पेमेंट मोड के बाद हमारा कोर्स नेम, तो स्ट्रिंग कोर्स नेम RS डॉट गेट स्ट्रिंग और कोर्स नेम मेरे कॉलम का नाम है डेटाबेस में, कोर्स नेम हो गया। देन हमारे पास फायर रिकॉर्ड्स आ गए, यहाँ पर मैं देख लूँ कितने मैंने डिस्प्ले किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अमाउंट एंड रिमार्क बचे, तो अमाउंट को मैं एज अ फ्लोट ही यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू RS डॉट गेट फ्लोट, यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट हमें डिस्प्ले करना है, तो टोटल अमाउंट मेरे कॉलम का नाम है डेटाबेस में एंड इसे मैं, ये हो गया हमारा। एंड देन जो लास्ट है वो है रिमार्क, स्ट्रिंग रिमार्क इज इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग एंड रिमार्क। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, इस टेबल में इन वैल्यूज़ को सेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करना पड़ेगा। वाई ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों करना पड़ेगा। पहले हम क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, एक एरे मैंने क्रिएट किया, obj इज इक्वल टू, ये है शॉर्ट हैंड, ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट मेथड है एरे क्रिएट करने का। आप इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट 5 6 जो साइज देना चाहे वो भी दे सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से भी इस तरह एरे क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले मैं रिसीव नंबर, जिस ऑर्डर में मैंने कॉलम का नाम दिया है उसी ऑर्डर में एरे में डेटा को इंसर्ट करूँगा। तो फर्स्ट रिसीव नंबर कॉलम नेम, सॉरी रिसीव नंबर रोल नंबर स्टूडेंट नेम कोर्स, तो रिसीव नंबर कॉमा रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम कॉमा कोर्स नेम कॉमा, देन उसके बाद आई थिंक हमारा अमाउंट है, तो अमाउंट देन पेमेंट मोड देन रिमार्क, रिमार्क है हमारा रिमार्क। मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ पर, हमारा पेमेंट मोड पहले देन अमाउंट है देन रिमार्क है, ठीक है। तो हमें पेमेंट मोड को पहले रखना है देन उसके बाद अमाउंट को रखना है, ओके अमाउंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमारा एरे हो गया एंड हमें अब एक और एक हमें डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल जावा डॉट स्विंग पैकेज में ये क्लास है, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टेबल डॉट डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल क्लास का नाम है, तो उसे क्रिएट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर एज अ इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर। तो यहाँ पर गया मैं, मॉडल इज इक्वल टू नल कर देता हूँ स्टार्टिंग में। आप नल नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू आ जाएगी नल, अगर मैं सिंपली यहाँ से हटा भी दूँ, बिकॉज JVM है इसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज ये इंस्टेंट वेरिएबल है एंड इंस्टेंट वेरिएबल को JVM अगर हम उसमें वैल्यू असाइन नहीं भी करें तो भी उसमें वैल्यू असाइन कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सपोज ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसमें नल असाइन होगा, अगर ये इंटीजर होता तो 0 होता, फ्लोट होता तो 0.0 असाइन होता, बूलियन होता तो आई थिंक ट्रू या फॉल्स होता है, शायद फॉल्स होता है उसका डिफ़ॉल्ट वाली बूलियन का। तो अब यहाँ पर मैं उसे इनिशलाइज करता हूँ, तो मॉडल इज इक्वल टू जो हमारे हमारा जो टेबल का नाम मैं एक बार चेंज कर दूँ पहले, तो यहाँ पर टेबल का नाम मैं करता हूँ चेंज वेरिएबल नेम TBL स्टूडेंट डेटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। स्टूडेंट डेटा आप कुछ भी रख सकते हैं, फीस डेटा रख लीजिए आप, तो TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट डेटा डॉट। अब यहाँ पर हमें एक मेथड है गेट मॉडल नाम से, हमें ये टेबल का मॉडल मिल जाएगा ताकि हम इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। अब मुझे ये टाइप कास्टिंग करने के लिए बोलेगा, टेबल मॉडल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, तो मुझे इसे टाइप कास्ट करना होगा डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल में, ठीक है। ये टाइप कास्ट हो गया, अब हमें क्या करना है, इस मॉडल में ऐड करना है उस ऐड रो, एक मेथड है उसमें हमें इस ऑब्जेक्ट को पास करना है, ठीक है। तो ये क्या करें, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट किया, बिकॉज ये जो एड रो मेथड है ये ऑब्जेक्ट एरे लेता है एज अ आर्ग्यूमेंट
तो हमें इस सारे जो हमने वैल्यूज पास की है वो एज अ रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी और ये रिपीट होते रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइल लूप चल रहा है आर एस डॉट नी। हर एक पहले हम इसमें क्या होगा, डेटाबेस से एक रो आएगी उस टेबल में ऐड हो जाएगी, फिर सेकेंड रो आएगी और ऐड हो जाएगी, फिर थर्ड रो आएगी ऐड हो जाएगी। इसी तरह हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। मैं एक्सेप्शन प्रिंट कर देता हूँ, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, एंड अब मैं इस मेथड को कॉल भी कर लेता हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में, सेट रिकॉर्ड टू टेबल, ठीक है। एंड मैं रन करता हूँ। अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ गए हैं पूरे जो जो डेटाबेस में थे। तो अब मुझे यहाँ पर सर्च का एक फील्ड दिखाना है जिसमें यूज़र्स इंटर करेगा डिटेल, तो वो सर्च होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर पैलेट में से एक लेबल ले लेता हूँ, इसमें मैं डिस्प्ले करूँगा सर्च सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। इसका मैं साइज बड़ा कर दूँ, कर देता हूँ 25, एंड इसका जो बैक फोरग्राउंड कलर है उसे वाइट कर देता हूँ मैं। सर्च रिकॉर्ड, थोड़ा इसका टेक्स्ट का साइज़ और इंक्रीज़ करता हूँ मैं, 30 30 पे कर देता हूँ। एंड इसके बाद एक यहाँ पर हम सेकेंड लेबल लेते हैं यहाँ पर, एंटर, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना है एंटर सर्च स्ट्रिंग, मतलब आप जो सर्च करने वाले वो यहाँ पर एंटर करिए। इसका भी मैं साइज सेट कर दूँ, इसको मैं देता हूँ 20, एंड कलर वाइट, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है हमें, बैकग्राउंड नहीं, फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया। एंटर सर्च स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर पैलेट टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं यहाँ पर एक, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ यहाँ तक, सॉरी टेबल को नहीं हमें कुछ करना है यहाँ पर। मैं इसका जो है इसका साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ, इसके अंदर फॉन्ट का, इसको भी मैं कर देता हूँ 18, ठीक है। एंड इसका एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट पे कुछ नहीं। अब हमें इस पर एक इवेंट अप्लाई करना है जो होगा हमारा, ये होगा हमारा की रिलीज इवेंट होगा, मतलब जब भी हम इस पर की प्रेस करके रिलीज़ करेंगे तब वो इवेंट कॉल हो जाएगा। बट उससे पहले हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं सर्च का जो हमें स्ट्रिंग सर्च करने में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड सर्च नाम से, जो लेगा स्ट्रिंग जो हम पास करेंगे उस टेक्स्ट फील्ड में। यहाँ पर मुझे एक क्लास होती है, हमें फिर से डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट करता हूँ मॉडल इज़ इक्वल टू टाइप कास्टिंग पहले डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, देन TBL स्टूडेंट डेटा डॉट गेट मॉडल, सेम प्रोसीजर करना है बिकॉज हमने ये टेबल को ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पर एज ए इंस्टेंट वेरिएबल, एंड हम उसे रीअसाइन कर रहे हैं। तो एक बार हमने यहाँ पर किया, एक बार यहाँ पर कर रहे, ये दोनों ये इंस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो एंड इसके बाद मैं यहाँ पर उसे, एंड एक क्लास है टेबल रो सॉर्टर, टेबल रो सॉर्टर नाम की क्लास है जिससे हमें जेनरिक टाइप है, तो हमें इसे डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल एज अ टाइप देते हैं। टेबल रो सॉर्टर इज इक्वल टू न्यू टेबल रो सॉर्टर, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें मॉडल को पास करना है हमारे, ये जो हमारा टेबल मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है इस टेबल को, तो हमें मॉडल यहाँ पर पास करना है। देन उसके बाद हमारा जो टेबल है टेबल स्टूडेंट डेटा डॉट, इस पर एक मेथड अप्लाई करना सेट रो सॉरी सेट रो सॉर्टर, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेट रो सॉर्टर में हमें इस टेबल रो सॉर्टर का ऑब्जेक्ट पास कर देना है। एंड जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें TRS डॉट, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट फिल्टर, आई थिंक कोई मेथड है सेट रो फिल्टर होगा, सेट रो फिल्टर मेथड है। एंड यहाँ पर हमें रो फिल्टर जो क्लास है एक जावा में, रो फिल्टर, एक मिनट, रो फिल्टर डॉट रेग एक्स फिल्टर मेथड है, उसके अंदर हमें अपनी स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है।
हमें इतना ही करना, बस हमें ये 3 लाइन्स एक्स्ट्रा लिखनी है, बिकॉज 4 लाइन, सपोज आप 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, एंड ये सर्च, हमारा सर्च का मेथड कंप्लीट हो गया। ये क्या कर रहा है, ये हमारा टेबल मॉडल जो है, इस हमारे टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मॉडल, एंड एक टेबल रो सॉर्टर है जो टेबल को सॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम अपने मॉडल को पास कर रहे हैं, बेसिकली इस टेबल को पास कर रहे हैं हमारे, एंड ये हम उस पर एक सॉर्टर अप्लाई कर रहे हैं टेबल पे, जो हमारा स्टूडेंट डेटा, उस पर एक सॉर्टर अप्लाई कर दे रहे हैं, एंड उसके बाद उस सॉर्टर पे हम फिल्टर कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग हम पास करने वाले हैं वो फिल्टर करके इस टेबल पे सेट कर देगा हमारे इस टेबल पे। तब हम इस मेथड को कॉल कहाँ करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है इसमें इवेंट माउस, माउस नहीं की रिलीज इवेंट है, तो की रिलीज में जाकर आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है उसकी, एंड मैं यहाँ पर मैं पहले इसका नाम चेंज कर देता हूँ, चेंज वेरिएबल नेम, txt सर्च नाम रख देता हूँ, एंड फिर यहाँ पर सबसे पहले उसमें से वैल्यू गेट कर लेते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, str नहीं, थोड़ा मीनिंगफुल नाम देते, सर्च स्ट्रिंग इज इक्वल टू txt सर्च डॉट गेट टेक्स्ट, हमें वैल्यू मिल गई वहाँ से। अब हम सीधा सर्च मेथड को कॉल कर देते हैं, सर्च सर्च, एंड इसमें हम स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। अब अगर मैं इसे रन करूं, सॉरी डीबग मोड में चला गया ये, यस, एंड मैं इसे रन करूं एक बार, तो आप देखेंगे मेरे पास ये वैल्यूज आ गए। अगर मैं सर्च करूं अब यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये सर्च हो रहा है प्रॉपर। अब मैं यहाँ पर MNO डालूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर MNO आ गया। अगर मैं पेमेंट मोड सिर्फ DD डालता हूँ तो मुझे DD के पेमेंट मोड मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो एंड यहाँ पर ये सब हमें, ये सब तो आपको पता है वो किस तरह से हमें इस पर ये जो चेंज हो रहे कलर वो कैसे करना है, इस पर हमें सिंपल इवेंट अप्लाई करना है, माउस माउस एंटर एंड माउस एग्जिट इवेंट पे हमें कलर चेंज करना है, ये आप लोग कर लेंगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपने कई सारी वीडियोज़ में ये बताया हुआ है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।